वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज दृष्टि। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मुझे आज पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक बटन में क्लिक कीजिए और जो बेल आइकन है उसमें जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन में आप क्लिक नहीं करोगे तो टाइम पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे सबको। और जैसे कि आपको दिख रहा है ये रोड, तो कर्फ्यू चल रहा है, संडे कर्फ्यू कर्नाटका में तो चल ही रहा है। इक्का दुक्का गाड़ी दिख रहा है लेकिन बहुत कम है। और अभी शाम का टाइम है, 5 बज चुका है, हमारा लंच हो, हम नहाए नहीं अभी तक। तो अभी क्या हुआ ना, मतलब हम सोच रहे थे, बहुत लोगों ने कमेंट किया हमारा जो प्रीवियस ब्लॉग था। तो गाइज ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जिसने हमारा जो प्रीवियस पप्पीज का ब्लॉग था, प्रीवियस टू प्रीवियस जो पप्पीज का ब्लॉग था, उनमें बहुत क्वेश्चन किया था कि जो पप्पीज वो वीडियो में है वो अभी तक एडॉप्शन के लिए है कि नहीं। लेकिन वो जो पप्पीज था वो बहुत पहले ही एडॉप्ट हो गया था, तो अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर नेक्स्ट हमें कोई भी पप्पीज मिले जरूर हम आपको वो वीडियो में बताएंगे, नहीं तो कमेंट, जिसने भी कमेंट किया है उसको कमेंट में हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अभी जा रहे हैं वही पप्पीज का मम्मी पापा से मिलने, जो आपको पता है वहाँ पे दूर पे दिखता है ना, वहाँ पे वो लोग हमारे लिए वेट करते हैं। तो आज हमारा पूरा लेट हो गया क्योंकि आज संडे है और आप देख सकते हो कर्फ्यू चल रहा है पूरा, पीछे मतलब पूरा खाली है, इक्का दुक्का गाड़ी जा रहा है और चिड़िया का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है भाई, क्योंकि चिड़िया लोग उधर ही है पीछे, चिड़िया का आवाज़ आ रहा है क्योंकि वो लोग भी अभी मतलब उन लोगों का सोने का टाइम हो जाता है 6 बजे तक। तो हम लोग ऐसे अभी बैठ रहे थे, संडे है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ऑफिस भी नहीं है दोनों का, तो हम ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। आज हमारा लंच भी थोड़ा डिफरेंट हुआ, हम ऐसे ही नूडल्स खाए थे, दूसरा दिन की तरह कोई रोटी सब्जी ये सब नहीं बनाया। तो आज हम वो मम्मी पापा से मिलने जाएंगे जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, और जो लोगों का शीरो और उसका क्या नाम था जो टूबी, हाँ वो शीरो और टूबी का अगर कोई भी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हो कि आज हम पीछे जाएंगे, हमारा जो मम्मी पापा है मतलब शीरो और टूबी का जो मम्मी पापा है उससे मिलने के लिए हम जाएंगे। और उसके लिए हमने आज क्या बनाया है, बिरयानी बनाया है, तो हम उसके लिए हम बिरयानी लेके जाएंगे। तो वैसे हम हर दिन उसको वीक में 3 to 4 days हम उसको चिकन देते ही है, और कभी कभी हम उसको कर्ड राइस नहीं तो दही चावल ऐसा ही देते हैं, कर्ड राइस और दही चावल एक ही होता है, मतलब मिल्क और राइस देते हैं। तो आज हम उसके लिए बिरयानी लेके जा रहे हैं और बिस्किट वगैरह भी लेके जाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, तो हमारा थोड़ा प्लान था कि आज हम इधर में एक जो जंगल टाइप का आपको दिख रहा है ना, पीछे आपको दिख रहा है वहाँ पे बहुत, एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत घोड़े वगैरह चलता है, मतलब रेस का जो घोड़ा होता है ना उधर में वहाँ पे रखा हुआ है, जो घोड़ाशाला होता है ना वो टाइप का रखा हुआ है। हमने सोचा था हम उधर से जाके देखेंगे, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी 5 बज चुका है, लगभग 7 बजे तक अभी मतलब अंधेरा नहीं होता है, तो हम थोड़ा घूमते रहते हैं और आपके साथ भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन ब्लॉग टाइप का नहीं बना, ऐसे ही हमारे कुछ ज्वेलरी हॉल उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू डाला था, तो लगा कि आज हम ब्लॉग डालते हैं। और आपको और एक चीज दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये मतलब मैंने बहुत सारा ब्लॉग में दिखाया था, ये एक वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल रात में लाइट होता है, तो अभी फिलहाल के लिए लाइट मैंने नहीं चलाया, अभी पता भी नहीं चलता। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे 4 लाइट जलता है ऊपर से, हाँ, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, वो मैं कभी रात में ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला कलर चेंज होता रहता है, तो ये हमने जब घर बनाया था तब भी हमने ये बना दिया था, तो हाँ कभी दूसरा ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे डिटेल्स पे ये क्या है। तो फिलहाल आप आज ही आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो मम्मी पापा के लिए क्या बनाया आज। तो जैसे कि हम हमेशा ही उसको चिकन देते हैं, लेकिन आज के लिए है बिरयानी स्पेशल, आप देख रहे हो, मतलब हमारा जो बिरयानी हमने बनाया था ना उसी से हमने उसके लिए रख दिया, तो देखिए उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, ये बिल्कुल ही मतलब बिरयानी राइस का बिरयानी है। तो हम लोग एक्चुअली उन लोगों को सब कुछ ही देते हैं, मतलब हमारा जैसे कि फैमिली मेंबर की तरह वो लोग हो गए, घर में कुछ भी होता है हम लोग उनके लिए लेके ही जाते हैं, क्योंकि बहुत अटैचमेंट हो गया। इसीलिए मैंने बोला जो लोग भी शीरो और नहीं तो टूबी का जो अभी जो उनके पास है, जिन लोगों के पास वो लोग है अगर देख रहे हैं, तो आप लोगों को देख के खुशी होगी कि उन लोगों के मम्मी पापा भी अभी ठीक से है। तो अभी हम लेट नहीं करके जल्दी निकलते हैं क्योंकि शाम होने वाला, क्योंकि हम वो जंगल में भी जाएंगे, शायद आपको दिखाएंगे कि वो जंगल क्या है।
तो फिलहाल के लिए हम जाते हैं इसको पैक करके। और आपको और एक बात भी बतानी थी, अगर आप लोगों को वो पप्पीज के बारे में आप जो पूछ रहे थे कि पप्पीज जो लोग अवेलेबल है कि नहीं, एक्चुअली जो पप्पीज है वो लोग अभी तो अवेलेबल है नहीं, और अगर मेरे पास कोई भी पप्पीज होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मैंने दूसरा भी ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे पास दूसरा पप्पीज अवेलेबल था, मेरे पास 13 पप्पीज था लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ हो गया, मतलब हम दे 40 में जाके उसको एडॉप्शन में दे दिया है, शायद वहां से एडॉप्ट हो जाएगा क्योंकि वो लोग थोड़ा बीमार भी हो गया था। अगर हमारे पास कुछ भी नया कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन होगा हम जरूर बताएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं बाहर क्योंकि बहुत शाम होने वाला है, अभी टाइम है ऑलमोस्ट 5:30, सो लेट्स गो। देखिए और पीछे देखिए क्या है, कौन आ रहा है ये सब, वो देखिए ये सब क्या जा रहा है, ये कौन है ये देख रहा है, देखिए ये भी उन लोगों का दोस्त है शायद, वो देखिए सामने वो एक्चुअली बहुत सारा लैम्प है ना ये सब, बहुत सारा बच्चा भी आप देख सकते हो ना इधर में, एक्चुअली चरने के लिए आता है, और साथ में एक ये है, ये गाय है शायद, और ये है शायद कुछ, और ये है हमारा, कौन है ये, कौन है, शीरो की मम्मी, मम्मी डॉगी, और ये कौन है, शीरो का पापा, ये तो शीरो के जैसा ही दिखता है, देखो हमारे लिए ही वेट कर रहा है, आज लेट हो गया, ও কানে কিছু একটা হয়েছে, বললাম তো ओर बाबा, यहाँ पे बहुत सारा ये सब हो गया, पहले नहीं था ना, ये दो दिन में यहाँ पे ग्रीनरी हो गया, बहुत बारिश हो रहा था ना उसी में, चलते हैं अंदर। उन लोगों का प्लेट चेंज करना पड़ेगा सर, ये है उन लोगों का बिरयानी, थोड़ा आपका सामने आ गया, इन लोगों का प्लेट ना हम चेंज करके दें, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ इधर, ये उसको बहुत फेवरेट है, ये चिकन का पीस है, ये जो ये नीचे गिर गया, आ जाओ इधर, तुम इधर आ जाओ, तो इतना उन लोगों का आज शायद तेज बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि बिरयानी है ना, ये पापा ना ज्यादा राइस नहीं खाता है, सिर्फ चिकन ही खाता है, वो मम्मी सब कुछ खाता है, तो मम्मी का ना कुछ कान में हो गया शायद, दवाई ला के देना पड़ेगा, आई गेस ये स्ट्रे डॉग को होता रहता है, तो हमने दे दिया है, बिस्किट भी हम देंगे उसको थोड़ा, हम उसको अभी थोड़ा बिस्किट भी देंगे, उन लोगों को पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है, तो राइस के बाद हम कभी कभी बिस्किट भी देता है, उसके पहले पानी दे देते हैं, क्या इतना भूख क्यों,
एक्चुअली जो दूसरा कुत्ता है ना उनका एरिया में आता है वो चीखता है, ये पानी दिया है पानी पी लो। वो देखो जो दूसरा कुत्ता आ गया ना उसको बहुत गुस्सा आता है, एक्चुअली दूसरा कुत्ता आता है इतना गुस्सा क्यों है। तो देखिए हमारा ये अंदर में डिकी में, मतलब ये है हमारा जो बाइक है उसका डिकी। हमारा कभी भी बिस्किट खत्म होता है ना तो हम बिस्किट लेके आते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है, क्योंकि कितना सारा पार्ले जी हमने रख दिया है उसके लिए। तो ये देखिए दोनों का बेटा, मतलब बिरयानी खाने के बाद भी उन लोगों को वो पार्ले जी खाने का बहुत मन है, मतलब पार्ले जी वो लोग खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन इसका देखिए मन कुछ उदास है, क्यों पता है? वो कुछ दूसरा डॉगीज है ना, वो दूसरा डॉगीज आ रहा है, इसको देखिए क्या है बिस्किट। पार्ले जी इसको देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसको जब देते हो ये चिंता नहीं है और इसको जब देते हो वो कभी भी चिंता, लेकिन ये नहीं चिंता। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं चलने के लिए। गाइज आपको ये जो नजारा है देख के आपको लग रहा होगा ना ये कोई हम कुर्ग जैसा कोई साइड में आके, एक्चुअली ये हमारा जो घर है ना घर के करीब ही ये वाला एक जंगल है। जंगल इन द सेंस मतलब इधर में बहुत सारा गाय, उसके बाद जैसे देखा है भेड़ा, मतलब जो लैम्प होता है वो लोग चरने के लिए आता है। तो इट्स काइंड ऑफ जंगल, लेकिन इंसान लोग मतलब नॉर्मल इंसान लोग नहीं आते हैं, जो लोग इधर का फार्मर्स है नहीं तो उन लोगों के साथ जो लोग जाते हैं वो लोग इधर में आते हैं। लेकिन हमें हम थोड़ा मतलब ऐसे ही सोच रहे थे, हम हमारा जो घर का बैल्कनी है उधर से देखते हैं कि बहुत गाय वगैरह उसके बाद लैम्प ये सब चर रहा है इधर, लेकिन कभी आने का मतलब नहीं सोचा था। लेकिन जैसे सबको पता है संडे लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो कहीं पे जा नहीं सकते, तो हमें लगा कि ठीक है ये जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, घर के करीब है शायद कोई जंगल देखने को मिल जाए। लेकिन बहुत घने नहीं है, थोड़ा मतलब रास्ता है जाने के लिए। आई डोंट नो कितना सेफ होंगे ये जगह, पर ट्राई करते हैं अंदर जाने की। मैं दिखाती हूँ जो सामने का रास्ता है वो क्या। तो यू कैन सी गाइस जो सामने का रास्ता मतलब यहाँ पे तो थोड़ा साफ है, बट आई डोंट नो कि अंदर में कैसा रहेगा, मतलब सेफ होगा कि नहीं जाने के लिए। हम सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी कुछ है नहीं उधर में, तब बहुत लैम्प वगैरह था ना, तब हम लोग सोच रहे थे कि उस टाइम हम जाएंगे तो देखेंगे सामने से। लेकिन वो लोग तो घर अभी लौट गया है ना कुछ देर पहले ही, अभी शायद आया, अभी आया फिर से, तो शायद हमें देखने के लिए मिल जाए। हमारा घर इधर से दिखता है क्या? हाँ वो देखिए उसका पीछे हमारा घर है, तो वहां से ही हमारा दिखता है एक्चुअली ये जगह, तो इसीलिए हम थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आए। लोग ये सोचेंगे हम कितना पागल है ना, मतलब कैसे जंगल में कुछ भी जगह में आ रहे हैं। लोगों को लॉकडाउन में और क्या कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा मतलब हमें कुछ दिमाग में नहीं आया कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। वैसे भी घर में बहुत टाइम कल स्पेंड किया, मूवीज देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, खाना वाना खाए, बिरयानी बनाए खाए, लेकिन उसके बाद और क्या करें, मतलब और कुछ करने का है नहीं था। तो थोड़ा मतलब लोगों को देख के सही में लगेगा कि हम लोग क्या पागल है, ऐसे कोई जगह में जाता है क्या। मतलब देखिए घर के करीब ऐसा जगह रहेगा ना, अगर कोई लोग ऐसे ही थोड़ा मतलब बाहर घूमना पसंद करते हैं लॉकडाउन में फंस गए ना, तो वो लोग ज़रूर आएंगे मुझे लगता है। हमारा भी वही हालत है, क्योंकि लॉकडाउन में सबको पता है कैसा हालत हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग भी घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं ना, बहुत ट्रैवल पसंद करते हैं, वो लोगों का हालत बहुत ख़राब हो रहा होगा ना। मतलब लग रहा होगा कि क्या है, कहाँ पे फंस गए, कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, कोरोना वायरस ही पूरा दुनिया से गायब हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन खुलने से वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोरोना अगर जब तक पूरा नहीं जाता है, सबको वैक्सीन लग जाने के बाद कोरोना को जाना है पूरा देश से, पूरा दुनिया से जाना है। अगर दुनिया से चला जाएगा तब भी सब नॉर्मल होगा, ट्रैवल चालू होगा, सब लोग पहले की तरह लाइफ जी पाएंगे। तो वही है, हम वही सोच रहे थे कि कब होगा हम फिर से ट्रैवल करेंगे,
अभी तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही पैदल चल के हम ट्रैवल। तो गाइस हम आ गए हैं, जितना अंदर आ सकते हम आए हैं, लेकिन और अंदर हम नहीं जा सकते। वो पीछे जो है ना, वहाँ पे घोड़ा का जो शाला है, घोड़ाशाला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो है, और इसके इससे अंदर हम नहीं जा सकते। हमारा जो सोसाइटी है ना, वो उधर है, नहीं इधर है, देखिए वो वाला। तो अभी देखिए सूरज ढलने का भी वो सीन कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, मतलब सूरज अभी ढल रहा है। तो इतना अंदर ही हम आ सकते हैं, क्योंकि उससे अंदर जाएंगे ना तो आई डोंट थिंक सो वो सेफ होगा। तो हम इधर में ही थोड़ा चल के, थोड़ा वॉक करके हम घर चले जाएंगे। जल गया है ये वाला, जल गया है ये वाला भी, जल गया। यहाँ पे आग लग गया था एक बार, मैंने कभी उसको वीडियो नहीं डाला था। और ये आप देख रहे हो पीछे, ये वाला भी जल गया है। ये जगह ना हमारा बैलकनी से डायरेक्ट दिखता था, और पता है ये आग जो बुझाने के लिए आया था ना, वो भी हमारे वजह से आया था, नहीं तो पूरा ही जल जाता। हमने फोन किया था वो फायर ब्रिगेड में, तब उसके बाद आके यहाँ पे आग बुझाया था, पूरा खराब हो गया था। यहाँ पे अभी आपको जितना भी ये दिख रहा है ना ग्रीन, आई गेस ये बाद में हुआ है, अभी कुछ बारिश हो रहा है ना उसके बाद हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुला खुला है ना, और भी पेड़ पौधा रहता ना, और वो भेड़ा वगैरह भी रहता तो और भी अच्छा लगता। ये देखिए गाइस, ये क्या देखने को मिला, ये पता है क्या है? ये एक्चुअली एंट लोग उसका घर बनाता है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, इसमें से करोड़ों एंट निकल सकता है, इतना डेंजरस है सोचिए। और यहाँ पे ना वो कहाँ पे, वो सांप का दिखाती हूँ आप लोगों को। वो सांप लोग जो ये करता ना, ये देखिए होल, ये जगह जो होल देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके अंदर में ही सांप रहता है। तो एक कहावत है ना, वो जो सांप को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो जो मिट्टी है, मतलब जो ग्राउंड में मिट्टी रहता है, उसको डिग करके उसको निकलना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी डिग किया हुआ है, मतलब सोचिए उसका अंदर में शायद है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वो लोग वहाँ से अंदर में ही रहता है, ऊपर तो नहीं रहता है ना, कितना डेंजरस है। ये जगह पूरा जल गया था, हम जहाँ पे अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं हम, कल एक्चुअली रोड में वॉक कर रहे थे, आज हम इधर में आ गए। वॉक करके घर चले जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे अच्छे से आज, इसीलिए हमने मतलब नहाए नहीं, इसी के कारण हमने नहाए नहीं, क्योंकि इधर आना था, उसके बाद फिर से तो नहाना पड़ेगा ही। यहाँ पे सुंदर फूल है देखिए पीछे, छोटा छोटा है लेकिन अच्छा है, ये गाछ जला नहीं, ये पेड़ अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और अंदर जाना है क्या? बाहर निकल रहे हैं अभी हम। ओ उधर से, अच्छा तो उधर से हम, जंगली फूल इसको बोलते हैं, जंगली फूल सनी बोल रहा है, इसको बोलता है जंगली फूल। तो हम अभी पीछे से यहाँ से ही आए थे ना हम, हाँ इधर से ही हम आए थे एक्चुअली। ये जगह जल गया है एक्चुअली पूरा, अंदर में थोड़ा अच्छा है, अंदर में अभी तक जला नहीं, शायद जल गया है इसीलिए हम इधर आ जा पाए, क्योंकि इधर में नहीं तो बहुत डेंजरस है। जब आग लगा था तब सांप लोग क्या करे, अंदर चले गए ना, वो लोग तो इसमें रहता है ना, वो अंदर रहता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अंदर चला जाता है। यहाँ पे अच्छा अच्छा वो पेड़ का ये कितना सूखा, हम लोग ना ऐसे ही जंगल में आके, हमारा जो चिड़िया लोग है उन लोगों के लिए वो ऐसा जो डंडा है ना इस टाइप का हम लेके जाते थे, अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन पहले ही लेके गए थे। तो हम कोराई कैनल घूमने गए थे, कूर्ग गए थे, उधर से बहुत सारा लेके आए थे। तो ये जंगल अच्छा है, कभी चाहिए ना हमारा चिड़िया के लिए तो हम इधर आके लेके जाएंगे। वो डंडा मिलता है ना वो सूखा हुआ, ओ वो पे क्या होता है ना, उन लोगों को केज के अंदर हम डाल देते हैं ना, तो वो लोग बहुत आराम से रहते हैं, मतलब उसके अंदर ही खेलते हैं, थोड़ा उसको गीला कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से रहता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट निकल गए हैं, ये देखिए ये वाला जो रोड है वो वाला रोड से ही हम जाएंगे। ये जगह में एक अजीब सा एक स्मेल आ रहा है ना, कोई एक कुछ है, कुछ जैकफ्रूट का कुछ पेड़ होगा, वो एक्चुअली वो फल गिरने के बाद
जो फल गिरा तो हुआ। हाँ ये देखिए बहुत सारा फल गिरा हुआ है, ये देखिए पता नहीं कौन सा फल है, मतलब एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, बहुत अजीब सा, पता नहीं वो जैकफ्रूट, आई गेस जैकफ्रूट ही होगा, ये तो जैकफ्रूट का सीजन है ना। मैं बिल्कुल जैकफ्रूट नहीं खाती हूँ, वो भी नहीं खाता है, लेकिन अभी सीजन है इसीलिए मुझे लग रहा है जैकफ्रूट है। ये सामने ही हमारा घर है, कितना करीब है देखिए, ये सामने ही है। अभी शायद हम ये हमारा अपार्टमेंट पे ही, मतलब हमारा सोसाइटी में ही छोड़ेंगे बाइक को, छोड़ के हम फिर से चलेंगे थोड़ा। अभी तक पसीना नहीं आया, पसीना नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं चलने का। हमारा सोसाइटी के सामने दो आके कुछ मांग रहा है, इसको हम एक्चुअली हर दिन तो नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिस्किट देता है, हम हर रोज तो देते हैं उन लोगों को ही। तो ये दो है, हमारा सोसाइटी है ना ये पीछे ही है, उसके सामने ही है, तो सानी उसको थोड़ा पालने जी दे रहा है, वैसे भी हमारे पास बहुत स्टॉक रहता है। तो ये है दो, हाँ दो ही है अभी, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा है, हमारा सोसाइटी के सामने ना बहुत बहुत सारा रहता है, लेकिन इतना लोगों को तो हम हर दिन मील नहीं दे सकते, कभी कभी बिस्किट्स ब्रेड ये सब दे देता है, तो मैं भी थोड़ा देती हूँ। ये डर रहा है, देखो इसका मुंह, देखो इसका मुंह, देखो डर रहा है। ये शीरो का मामा पापा नहीं है, दूसरा है, ये हमारा सोसाइटी के पास है। तो गाइज हमारा चलना फिरना हो गया, अभी हम आए हैं एक नर्सरी पे, घर के लिए थोड़ा पेड़ देखना था, मतलब क्या हुआ है हमारा जो इंडोर प्लांट था वो ख़राब हो गया है, तो हम उसको बाहर रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टॉप है, तो हमें एक ही टाइप का बहुत सारा चाहिए था प्लांट, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्लांट ले। और किसी को अगर पता है ना कि इंडोर प्लांट कौन सा अच्छा होता है बिना धूप का, बिना मतलब हवा का, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इंडोर प्लांट जो भी रख रही हूँ वो ख़राब होते जा रहा है, तो हम इसीलिए यहाँ पे नर्सरी में आके पूछेंगे कि कौन सा इंडोर प्लांट बिना धूप का अच्छा रहता है, क्योंकि हमने जहाँ पे रखा था वहाँ पे धूप नहीं था बिल्कुल भी, तो हम वही देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, ये नर्सरी हमारा घर के पास ही है, तो हम सोच रहे थे कि कौन सा प्लांट ले, क्योंकि इंडोर प्लांट हमारा टिक नहीं रहा है, वही प्रॉब्लम है। घर पे आ गए हैं, मतलब इधर में रखा हुआ है अभी, लेकिन हम बाहर कर देंगे इस पेड़ को, मतलब बाहर मतलब हमारा बैल्कनी में कर देंगे। अभी देख रहे हैं बहुत स्वेटिंग हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, बहुत चले फिरे हम आज, है ना, बहुत अंदर तक गए थे, तो अभी शाम होने वाला है, शाम ढल रहा है एक्चुअली, तो हम अभी वो बाइक बाहर पार्क करके आए थे, क्योंकि ये जो पेड़ है ये हमें, मतलब हम घर के बाहर अभी रख रहे हैं, लेकिन हम वो बैल्कनी में जहाँ पे हमारा चिड़िया रहता है वहाँ पे रखेंगे, तो ये एक्चुअली हम बाइक में नहीं ला पा रहे थे, तो इसीलिए हम चल के आए, तो अभी बाइक लेके हम आ जाएंगे अंदर, उसके बाद आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हम घर पे आ गए हैं, तो हमने बहुत सारा पेड़ खरीदा, आपको तब मैंने दो दिखाया था, लेकिन उसके बाद हमने फिर से खरीदा है पेड़, और यहाँ पे हमने कुछ अरेंज किया है, यहाँ पे ये वाला तुलसी हमने खरीदा है, ये तुलसी, और ये वाला एक पेड़ हमने लिया है जो हमने अभी अरेंज किया है, ये हमारे पास पहले ही था, ये भी पहले था, और हमने लिया है यहाँ पे, आपको पीछे दिख रहा है ना ये वाला पेड़, ये वाला हमने लिया,
हाँ ये एक्चुअली हमारे पास पहले भी एक था, वो खराब हो गया था, ये हमने लिया है। और टॉप हमारे पास पहले ही था, और ये वाला भी हमने लिया है, वो उधर का जो छोटा वाला पेड़ है वो भी हमने लिया है। तो हमने आज टोटल 5 प्लांट खरीदी है। तो अभी हम घर पे आ गए हैं और बहुत शाम हो चुका है, आई गेस इट्स अराउंड 8:30। हम तब निकले थे, आई गेस ऑन 5:30 हम बाहर गए थे, तो बहुत लेट हो गया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि हमें शायद अभी आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आज हमने वैसे कुछ कुकिंग नहीं किया था जो रात को भी हो जाए। तो मैं आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। आपका अगर ये ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे ज़रूर ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज मुझे पहली बार देख रहे हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और लाइक कॉमेंट ज़रूर करना। तो अभी हम जा रहे मतलब फ्रेश होने के लिए, उसके बाद हम शायद डिनर ऑर्डर करेंगे। आपसे मिलते एक नया ब्लॉग के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए, अभी भी सेफ नहीं है, और जरूर वैक्सीनेशन दिलवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लोगों की वैक्सीन देना जरूरी है। तो ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।